तो यहाँ से करा लेते पेट्रोल फुल, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो ये देख रहे हो बच्चा सामने जा रहा है, कैसे खड़ा है बेचारा मासूम सा। चलो जी यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका। हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक ऑन व्हील्स वंस अगेन। और हम गांव से निकल गए हैं, छुट्टियां ख़त्म और हम भी जाने लगे हैं दिल्ली। बस ये दो तीन दिन की ज़िंदगी होती है गांव की जो हम जी लेते हैं, और अब फिर भरे हुए पॉल्यूशन की तरफ जा रहे हम, क्योंकि न्यूज़ में देखा है कि पॉल्यूशन फिर से ज़्यादा बढ़ने लग गया है दिल्ली में। बट कोई नहीं यार, क्या करें, मजबूरी है हमारी, जॉब पैसा सब कुछ कमाना है, उधर तो जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, हाईवे पे चढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया से नज़ारे। ये देखो बकरियां जा रही हैं अपना खाना खाने के लिए, दिख रही होंगी आपको, एक साथ झुंड में जाती हुई बकरियां। ये देखो ये मेरा कॉलेज है, इधर आपको दिख रहा होगा, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो पास में ही है, मतलब गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर आई थिंक गांव से, तो यहीं से अपनी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अपना दिल्ली जॉब करने लग गया मैं। जय माता दी। बस थोड़ी दूर जाके हमें हाईवे मिल जाएगा, फिर हाईवे से हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पे से, उसके बाद फिर सीधा नोएडा। नोएडा के बाद फिर थोड़ा सा काम है नोएडा में, फिर जाएंगे अपन दिल्ली। थोड़ा मेरे को अपनी भांजी के पास जाना है दादरी, तो उससे मिलता हुआ फिर मैं निकल जाऊंगा दिल्ली। तो यहाँ से करा लेते पेट्रोल फुल, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। और यहाँ पे पेट्रोल है 96.43, दिल्ली से थोड़ा सा सस्ता है इधर, तो यहाँ से फुल कराते हैं, ऑलरेडी मतलब पड़ा हुआ था इसमें, और डाल लेते थोड़ा सा फिर निकलेंगे। और हमारी पेट्रोल आ गई है 259 रुपये की, 259.39। कार्ड से हो जाएगी पेमेंट, ये थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। यहाँ के रोड इतने प्यारे बना दिए हैं, इतने प्यारे बना दिए हैं कि मतलब यहाँ पे 2 घंटे का सफ़र था ना, वहाँ समझ लो आप 45 मिनट का सफ़र रह गया है, 50 मिनट का सफ़र रह गया है। बहुत ही प्यारे, मतलब आप खुद ही देख रहे होगे कैमरे में कि रास्ता कितना ब्यूटीफुल, कितना साफ और क्लीन है। तो यही होता है विकास जो हो रहा है। अभी यहाँ से आगरा रह गया 57 किलोमीटर, तो आई थिंक हमें लगने वाले हैं, हम आगरा तो जाएंगे ही नहीं, फिर आगरा से पहले ही हम तो कट ले लेंगे यमुना एक्सप्रेस वे के लिए, तो हमें आई थिंक आधा घंटा लगने वाला है बस। तो देखो आज बाइक की लेन इतनी छोटी है भाई साहब, ये गाड़ी वाले भैया क्यों खड़े हैं, इधर से निकालोगे क्या, आपकी नहीं निकल पाएगी भैया। लो जी लो जी लो जी, अब इसके बाद जो टूल है वो है आगरा वाला टोल जो है एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा।
20-25 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। बाइक पे आते ही एनर्जी सी आ जाती है भाई, अच्छी वाली। और ये भैया क्या खा रहे हैं भाई? तो भैया बड़े गौर से देख रहे हैं हमें, चुपकी चुपकी निगाहों से देख रहे हैं, और ये कुछ खा भी रहे हैं। तो हम निकलते हैं, भैया आप खाओ। तो ये देख रहे हैं बच्चा सामने जा रहा है, कैसे खड़ा है बेचारा मासूम सा, और हाथ में ना पानी की वो पकड़ रखी है पाउच, ये पकड़ रखा है। ये देखो कितना मासूम सा खड़ा है बेचारा। ये देखो नींद आ रही है इसको। चलो जी, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब यहाँ पर बस सीधे चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ बस, और कुछ नहीं है ना देखने के लिए, कुछ है ना दिखाने के लिए, तो बस चलते रहो, सफर का मजा लो बस। मंजिल पर तो पहुंचना है और पहुंचोगे, बस सफर का मजा लो। तो हम पहुंच गए आगरा टोल, और यहाँ से टोल की पर्ची कटाते हैं, उसके बाद पियेंगे मस्त सी चाय, फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। आगरा से टोल कटा लिया हमने, अब चाय पियेंगे बढ़िया सी, और फिर उसके बाद हम आगे का सफर शुरू करेंगे। यहाँ तो कभी भी आ जाओ, यहाँ पे गाड़ियाँ भीड़ हमेशा मिलेगी। मैजिक फूड जोन, खड़ी करता अपनी बाइक। चलो जी चाय पियेंगे चाय। यार आगरा में पी चाय, चाय थी बहुत ही ज्यादा बकवास। कोई नहीं, अब नहीं पियेंगे वही यहाँ की चाय। सो आगरा टोल पे हमने ढाबे पी ली चाय, और अब निकलते हैं आगे के लिए। अब देखो आगे कहाँ रुकते हैं, बाकी हमारा 87-88 किलोमीटर चल गया था गांव से, फिर टोल यहाँ पड़ा। वैसे 100 किलोमीटर चलाना था अपन को, उसके बाद ब्रेक लेना था, फिर आगे कोई है भी नहीं ढाबा वगैरह, तो हमने कहा यहीं पे चाय पी लेते हैं। अब भैया चाय थी बहुत ही ज्यादा बकवास, अच्छी नहीं थी चाय यार, लग रहा था दूध जला जला सारा। अब कोई नहीं, अब देखो भैया हमें अभी जाना है दादरी, तो नेक्स्ट चाय हो सकता है कि हमारी दादरी नहीं हो। जी जी भैया यहाँ पे, तो चलो फिर चलते हैं भैया। और भैया देख रहे हो सूरज देवता जा चुके हैं, सनसेट हो चुका है, तो प्यारा छोटा थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है ना। तो चलो फिर चलते हैं। बैठा रखा है बच्चा, और हेलमेट पहन नहीं रखा, चोटी वोटी एकदम बना के, पर्स वगैरह टांग के, और बाइक पर जा रही है। ओ माय गॉड, मतलब नई बाइक है भाई, नंबर प्लेट भी नहीं है, और दीदी मस्त बैठ के जा रही है, और बीच में कोई बच्चा बैठा है। ओहो, बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, एक गोदी में है बच्चा, और भाई सब लेके जा रहे हैं, देख रहे हो।
क्या मतलब, ये देखो पास से देख सकता हूँ आपको, ये देखो और ओह माय गॉड, और ये इस पे वो रख रखा है यहाँ से वृंदावन से 2 किलोमीटर शूट हो रहा है, मतलब कैसी उसमें वॉइस आ रही है, वैसे वॉइस तो मैं देख ही लूंगा जब एडिटिंग करूंगा मैं, और आप लोग भी बताना अगर कुछ कमी लगेगी आप लोगों को तो जरूर बताना। अमीन भाई हम पर्ची दिखा देते हैं टोल की, यहाँ पे भैया जाने देंगे, गेट खुल गया, चलो जी हम चलते हैं अब। हम रुकेंगे मथुरा और ढाबे पे भी रुकेंगे, वहाँ भी चाय पियेंगे। ओह अच्छा, मैजिक फूड जोन, ये भी सेम उसी का है जो आगरा में था, वो भी मैजिक फूड जोन था। हम चाय पी लेंगे तब तक हमारा गोबरो चार्ज हो जाएगा भैया। या ओके, यहाँ तो खड़ी करने की जगह नहीं है, आगे खड़ी करते हैं। चलो जी यहाँ खड़ी करते हैं अपनी बाइक, और यहाँ भी मस्त सी चाय पियेंगे। सर्दियों में तो जितनी चाय पी लो यार कमी है। मस्त सी चाय पी ली भैया, अब निकलते हैं आगे की अपने सफर के लिए। सो बढ़िया से आगे रुकेंगे, अब सीधा दादरी, दादरी में रुकेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद सीधा अपनी दिल्ली। तो ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन के फिर निकल लेंगे यार। अंधेरा होने वाला है, लगभग बहुत पहुँचने वाले हैं जोगो, और 200 किलोमीटर पूरे होने में 3 किलोमीटर रह गए बस।
आगे वाले फॉर्म दे दो, टीम बजा देते मतलब आने की पूरी। साथी करके आप लगे वाले पर साथी करके तो नीचे में डाल दो ना, तो यमुना एक्सप्रेस होते अगर आप सफर कर रहे हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या मतलब आपको मतलब फर्स्टली यही रखना है कि आप अपनी सेफ्टी से चलें, सेफ चलें, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वृंदावन में बाय कर रहे थे ना बच्चे, वो उस गाड़ी में जा रहे हैं फिर से, मुझे लग रहा है वृंदावन गए थे ये लोग, दर्शन दर्शन करके अपना आ रहे हैं। मेरी गाड़ी जा रही है उस वाली लेन में जो पीछे गाड़ी जा रही है, उस वाली लेन देख रहे हो टाइम से अलग विलम्ब होता है, कभी लोग रास्ते मिल जाते हैं। आपको मेट्रो ऊपर देख रहे हो कितना ऊंचा मतलब मेट्रो के लिए वो बनाया गया, मतलब ये ही कितना ऊंचा होगा जिस पे चल रहा है निकला हुआ, उसके ऊपर वो निकला हुआ। तो चलो जी परिचर दिखाते हैं आपको, थोड़ी एकदम मस्त चमक रहा होगा, अभी लाइटिंग वाइटिंग हो रखी होगी। और लो जी एनसीआर में एंट्री मारते ही अपना स्वागत पूरे ट्रैफिक के साथ, मतलब हाँ ये भी एनसीआर में लगता है। और ये जी ये परिचौक आ गया जी, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि दादरी के लिए कहाँ से होगा, सूरजपुर दादरी लिखा तो है, कहाँ से है वही रास्ता, सूरजपुर दादरी के लिए रास्ता ही काट रखा है आई थिंक। ये सूरजपुर दादरी उधर देखना गुल्लू बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर है ना लेफ्ट में है ना, लेफ्ट लेफ्ट में। नोएडा कितना सुंदर बना रखा है, लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है मस्त, अपना काफी सुंदर बना दिया है नोएडा अपना। और दादरी किधर है भाई दादरी, अच्छा सूरजपुर दादरी सीता, ओके ठीक है जी सीधा चलेंगे हम। और ये देखो कितना बड़ा गोल चक्कर है, सीधा ही है
इसी तरीके से छुट्टी तो कभी मिलेगी नहीं ऑफिस से, तो भैया छुट्टी हैं कभी कभी निकाल लिया करो, घूम के आ जाए करो। ऑफिस का काम भी चलता रहना ही चाहिए, ऑफिस का काम भी चलता रहना चाहिए और मौज भी चलती रहनी चाहिए भाई, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है तो मौज चलती रहनी चाहिए भैया। तो हमेशा मस्ती में रहा करो यार, टेंशन में मत रहा करो। हम हैं अभी सूरजपुर के जंगलों में, जो दादरी के पास पड़ता है सूरजपुर, ये देख रहे हो। एक रास्ता इधर से जाता है, फिर बीच में मतलब क्या बोलूँ, बीच में गैप है काफ़ी सारा, ठीक है, मतलब नाला टाइप जो होता है ना वैसा है, उसके बाद दूसरी तरफ उधर से आने वाला रोड है, ये जाने वाला है वो आने वाला है, और रास्ता तो भाई साहब इतना ख़राब है कि बस पूछो मत। ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत ही धीरे धीरे संभल के चलाना पड़ेगा इसमें। वो तो मैंने बाइक पे अपनी एक्स्ट्रा लाइट लगवा रखी है, तो इस चक्कर में दिख जाता है, नहीं तो इसकी लाइट से ज़्यादा नहीं दिखता, जो इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं दिखता। तो ये चुल येलो येलो लाइट जल रही है, वही मैंने एक्स्ट्रा लगवाई है, वो दोनों का काम करती है, येलो भी और वाइट भी जलती है उसमें। ये देखो भाई मून देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है इसमें, दिख रहा होगा। तो हम नीचे देखते हैं, इन्हें कहीं पता चले हम ऊपर देखते हैं और नीचे ठुक गई बाइक। ये दादरी इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है काफ़ी बड़ी, इधर राइट में ये देख रहे हो आप, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये, यानी किस चीज़ की है, और डिपो भी है ये बस स्टैंड। तो यहाँ से काफ़ी जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना वो निकलते हैं, पता नहीं किस चीज़ की है, तो बाहर भी जाता है यहाँ से, मतलब सामान ना, मतलब इंडिया से बाहर, पता नहीं किस चीज़ का। ये दादरी के रेलवे ट्रैक का पुल आ गया, ये देखो सही बना रखा है ये भी, और नीचे है रेलवे ट्रैक जहाँ से रेलगाड़ियाँ निकलती हैं। और जी फिर हमारी राइड यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि दिल्ली हम जा नहीं रहे आज, तो मैं भी शायद यहीं रुकेंगे आज। तो ब्लॉग ज़रूर देखना आप लोग, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे, ठीक है, और मिलेंगे फिर न्यू राइड पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।